मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वे की ताजा रिपोर्ट आई सामने। बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ेंगी सुविधा। बिहार के इस लड़की के मुरीद हुए सोनू सूद और नीतू चंद्रा। कक्षा एक में दाखिला लेने की बदली उम्र। इस डेट तक आएगा इंटर और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असम राइफल्स ने 617 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। असम राइफल्स ने टेक्निकल और ट्रेड्समैन के कुल मिलाकर 617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 19 मार्च 2023 तक है। असम राइफल्स की इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को 18-23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वे की ताजा रिपोर्ट आई सामने। जीविका और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पंचायती राज चेयर के द्वारा बिहार में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा किए गए शराबबंदी का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका आकलन किया गया है और उससे जुड़ा तीसरा सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी 2 सर्वे रिपोर्ट जारी किया जा चुका है जिसमें शराबबंदी के चलते समाज पर हुए काफी सकारात्मक बदलाव निकल कर सामने आए थे। वहीं इस बार का सर्वे 4000 लोगों पर किया गया था जिसमें पाया गया कि शराबबंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है और महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में देखा गया है। शराबबंदी होने से महिलाओं के घर परिवार समाज में निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर भागीदारी बढ़ी है। 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक 1.82 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है और इसके अलावा राज्य की 99% महिलाएं और 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के बारे में। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध सांसद शिक्षाविद अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। 1910 के चुनाव में 4 महाराजाओं को परास्त कर वे केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। प्रथम भारतीय जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनने का श्रेय मिला। वे प्रिवी काउंसिल के सदस्य भी थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का जन्म वास्तव में शाहबाद जिले के मुरार गांव के एक कायस्थ कुल में हुआ था। वर्तमान में इनका गांव बक्सर जिले में है। उन्होंने लंदन में कानून की शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बने। इंग्लैंड से स्वदेश लौटने पर 1891-92 में उन्होंने अलग बिहार राज्य की मांग की और आंदोलन चलाया। उस समय वे मुश्किल से 20 वर्ष के थे। बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ेगी सुविधा। राज्य के 30 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों का रिजल्ट खराब आने की वजह से बिहार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा कॉलेज के प्राचार्य से मार्च प्रथम सप्ताह तक कॉलेज के कमियों की रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के सभी कॉलेजों में लैब का विस्तार और फैसिलिटी बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं कॉलेजों के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 माह में कई बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही छात्रों के लिए परिसर में स्पेशल क्लास चलाया जाएगा जिसमें क्लास के बाद छात्रों को पढ़ाया जाएगा। कमजोर छात्रों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा सके इसके लिए सभी कॉलेजों में विशेष सेल का निर्माण किया जाएगा। अनीसाबाद से एम्स तक बनेगी एक और एलिवेटेड सड़क। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में एक और एलिवेटेड सड़क के निर्माण को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इस एलिवेटेड सड़क का निर्माण तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की लागत से अनीसाबाद से एम्स तक किया जाएगा जिसकी लंबाई करीब 7 किलोमीटर होगी। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर को जून जुलाई में निकाला जा सकता है। इसके बाद ही निर्माण के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि एलिवेटेड सड़क 4 लेन होगा जिस पर 6 विभिन्न सड़कों से चढ़ने की सुविधा होगी। इस एलिवेटेड सड़क के निर्माण होने से अनीसाबाद से एम्स तक पहुंचने में लोगों को ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही आने जाने में भी काफी सुविधा मिलेगी।
विधानमंडल सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने दिया ये निर्देश। 27 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र का शुरुआत होने वाला है। ऐसे में सत्र को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। वहीं बीते दिन बुधवार को विधानमंडल सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विधान परिषद के उपसभापति ने मुख्य सचिव डीजीपी तथा तमाम आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बता दें कि इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश देते हुए कहा कि विधानमंडल सत्र में सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं का चाक चौबंद रखा जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि सभी सदस्यों के प्रश्नों का जवाब सरकार की ओर से सही समय पर दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 28 फरवरी को महागठबंधन की ओर से बजट पेश किया जाएगा। बिहार के इस लड़के के मुरीद हुए सोनू सूद और नीतू चंद्रा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि यह वीडियो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला अमरजीत जयकर का है, जिसने कई गाने गाए हैं। बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियोस में एक वीडियो में अमरजीत ब्रश करते हुए 90 का एक गाना गा रहा है और उनके पीछे कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं। उनका यह वीडियो लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। उनका यही वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। बता दें कि इस वीडियो पर एक्टर सोनू सूद और नीतू चंद्रा के द्वारा भी पसंद किया गया और साथ ही कमेंट भी किया गया है। एक तरफ जहां सोनू सूद लिखते हैं एक भारी 100 पर भारी, तो वहीं दूसरी ओर नीतू चंद्रा ने अमरजीत से उनका नंबर तक मांग लिया है। इसके साथ ही अमरजीत को अब सोनू सूद के द्वारा मुंबई बुला लिया गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जलालगढ़ किला के बारे में। जलालगढ़ का किला पूर्णिया का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह किला अब यहां पर खंडहर अवस्था में देखने के लिए मिलता है। इस किले के अब यहां पर भग्नावशेष ही शेष रह गए हैं। यह किला पूर्णिया शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यह किला जलालगढ़ नाम की जगह पर बना हुआ है। यह किला नेशनल हाईवे 57 पर बना हुआ है और आप यहां पर अपनी बाइक और कार से आराम से पहुंच सकते हैं और इस किले में घूम सकते हैं। इस किले का निर्माण सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन ने किया था, जो पूर्णिया के नवाब थे। उन्होंने इस किले का निर्माण 1722 में किया था। इस किले की आकृति चौकोर है। यह किला चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है और बीच में आपको मैदान देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बुर्ज भी देखने के लिए मिलते हैं। पटना मेट्रो लॉन्च करेगा अपना वेबसाइट। पटना मेट्रो भी दिल्ली की तरह ही गूगल से हाथ मिलाएगा। इसके बाद गूगल मैप की मदद मेट्रो यात्री रूट की जानकारी और किराए के लिए ले सकेंगे। साथ ही साथ मैप के ही जरिए वर्तमान में यहां पर यात्री मौजूद है वहां से नजदीकी मेट्रो की जानकारी और पहुंचने का रास्ता भी पता कर सकेंगे। ऐसे में मेट्रो यात्रियों का सफर और भी आसान हो जाएगा और उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि इसके लिए वेबसाइट को भी पटना मेट्रो द्वारा लॉन्च किया जाना है। इसी वेबसाइट पर ये सभी सूचनाएं आसानी से मिल पाएंगी। 24 मेट्रो के साथ साथ पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर में 32.497 किलोमीटर तक के लाइन बनने हैं, जहां दो इंटरचेंज स्टेशन भी मौजूद होंगे। कक्षा एक में दाखिला लेने की बदली उम्र। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अब कक्षा एक में दाखिला लेने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों की शुरुआती 5 साल की उम्र सीखने का फंडामेंटल स्टेज में है, जिसमें 3 साल के लिए प्री स्कूल एजुकेशन और इसके बाद क्लास 1 और 2 शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में क्लास 1 में बच्चे के एडमिशन लेने की उम्र सीमा अलग अलग थी। कई स्थानों पर 5 साल के बच्चे भी कक्षा 1 में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन इस वजह से पहली कक्षा में दाखिले की उम्र नई शिक्षा नीति के अनुसार नहीं होने से शुद्ध नामांकन अनुपात की माप प्रभावित हो रही थी, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह नया नियम लागू किया गया है। इस डेट तक आएगा इंटर और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। बीते दिन बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा संवाददाता सम्मेलन के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट मार्च महीने में घोषित किया जाएगा। वहीं अगर बात मैट्रिक रिजल्ट की जाए तो मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च से 30 अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इंटर का मूल्यांकन 24 फरवरी से शुरू होगा, जो 5 मार्च तक चलेगा। वहीं मैट्रिक के मूल्यांकन की शुरुआत 1 मार्च से होगी, जो कि 12 मार्च तक चलने वाली है। इसके अलावा होली के दौरान चल रही छुट्टी में मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा। नेहा सिंह राठौर का यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप। लोक कलाकार सिंगर नेहा सिंह राठौर अपने गाने यूपी में काबा सीजन 2 को लेकर मुश्किल में पड़ गई है। बता दें कि इस गाने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे 7 सवाल पूछे गए हैं। वहीं अब इस पर नेहा सिंह राठौर के द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए यूपी पुलिस पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा मुझे इस तरह सवाल किए जा रहे हैं जैसे किसी क्रिमिनल से सवाल कर रहे हों। नोटिस में जो भी सवाल पूछा गया है उससे लगता है जैसे किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं
किसी भी सवाल का जवाब अपने वकील से बात किए बिना नहीं दूंगी। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने बीते हैं और मेरे साथ पुलिस का जैसा व्यवहार है जैसे मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी मुझे मेरे गानों के लिए नोटिस भेजी गई है, लेकिन पहली बार पुलिस इस तरह से मेरे पीछे पड़ी है। इनको बस यही चाहिए कि कोई सत्ता का गुणगान करे, अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो वो गलत है। मैंने गाना गाकर कोई गलती नहीं की है। पीएमसीएच में भर्ती होने वाले मरीजों को अगले साल मिलेगा बड़ा तोहफा। अगले साल से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती होने वाले मरीजों को बड़ा तोहफा मिलेगा। बता दें कि 2024 तक पीएमसीएच के नवनिर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद अस्पताल में बेड की संख्या बढ़कर 1675 से करीब 2000 हो जाएगी और साथ ही इमरजेंसी में भी करीब 350 बेड शामिल हो जाएंगे, जिससे यहां आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पहले चरण में 2000 बेड मिलने से उसमें इमरजेंसी सहित भर्ती मरीजों की सेवा को बहाल करना भी संभव हो जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार चिकित्सा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के एमडी दिनेश कुमार के द्वारा दी गई है। वहीं पहले चरण का काम खत्म होने के बाद ही दूसरे चरण के काम की शुरुआत की जाएगी। बिहार में बढ़ने लगी गर्मी, कई शहरों में ऊपर चढ़ा पारा। बिहार के मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। वसंत आए बिना ही गर्मी की शुरुआत हो गई है। राज्य के कई जिलों के तापमान में वृद्धि जारी है। वसंत का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में तापमान में क्रमिक वृद्धि हो सकती है, हालांकि इससे ठंड का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो इस साल ठंड ने भी रिकॉर्ड तोड़ा था, वहीं आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। तापमान में अभी से ही वृद्धि के कारण 10 दिन पहले से ही इस तरह की गर्मी लोग महसूस कर रहे हैं। अभी वसंत का समय है, लेकिन तापमान अपना असर दिखा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जिस तरह से पारा चढ़ रहा है, मार्च का महीना भी बेहद गर्म रहने वाला है। क्रिकेटर मुकेश कुमार का गोपालगंज में हुआ भव्य स्वागत। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का बीते दिन यानी कि बुधवार को गोपालगंज में भव्य स्वागत किया गया। वहीं उनके लिए सम्मान देने के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं जब भी यहां आता हूं तो एक सोच लेकर आता हूं और एक मोटिव लेकर जाता हूं, जिसके कारण मैं ए टीम आईपीएल और अब भारतीय टीम में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं यही के मिंज स्टेडियम से खेला हूं और आगे मुझे कुछ नया करना है। मैं यहां के लोगों का प्यार पाकर काफी खुश हूँ। मैं सिर्फ शुरू से खेलना चाहता हूँ। मेरे अंदर खेलने के क्या गुण है उस पर सोचने की जरूरत नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के लिए 5,50,00,000 में बोली लगाकर चयन किया है। बीआईटी पटना में छात्रों को मिला बेहतर प्लेसमेंट। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा के पटना कैंपस में छात्रों को बेहतर प्लेसमेंट मिला है। बता दें कि प्लेसमेंट सेल में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हुई थी, जिसमें छात्रों के द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बीआईटी पटना कैंपस में 2019-23 बैच के लिए आयोजित प्लेसमेंट सेल में लगभग 88 कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें अमेजन, क्रैसफी, एक्सचेंजर, जिंदल स्टील एंड पावर, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, अडानी, हिताची समेत कई नामी कंपनियां मौजूद थी। वहीं छात्रों को दिया जाने वाला इस साल का औसत पैकेज 12.58 लाख रुपए सालाना रहा है। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के छात्र कोमल कुमारी को अमेजोन की तरफ से 44 लाख रुपए सालाना का पैकेज दिया गया है, जो इस सेशन में सबसे ज्यादा है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार छात्रों को प्लेसमेंट का एवरेज 63% है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर सरगर्मी बनी हुई है। वहीं अब इस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बड़ा बयान दे दिया गया है। बीते दिन यानी कि बुधवार को तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने ध्यान फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, जिसमें उनका मकसद भाजपा को हराना है और सत्ता से बाहर करना है। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन को लेकर कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, यहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जेडीयू ललन सिंह के द्वारा अगले चुनाव को लेकर जो भी कहा गया है वह बिल्कुल सही है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इतने समय में हमें और भी अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। इस दिन से शुरू हो रही उपेंद्र कुशवाहा की नमन यात्रा। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की समाप्ति हुई है। वहीं अब जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी 28 फरवरी को चंपारण के ऐतिहासिक भीतीहरवा बापू आश्रम से अपनी नमन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी यात्रा समाधान यात्रा नहीं थी बल्कि व्यवधान यात्रा थी, लेकिन मेरी यात्रा महापुरुषों के चरण छूने का है। उन्होंने कहा कि हम अपनी इस यात्रा
में महापुरुषों को श्रद्धांजलि देंगे और इसी क्रम में लोगों से बातचीत करेंगे और उनको बताएंगे कि राज्य में पुराना 15 साल वापस ना आए, इसलिए हमारा सहयोग दीजिए। हमें उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि उनके सहयोग से 15 साल के पुराने राज को लौटने नहीं देंगे। तेज प्रताप यादव के सपने में आए ये नेता। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि उनके सपने में मुलायम सिंह आए थे और उन्होंने उनसे बातचीत भी की। दरअसल तेज प्रताप यादव के द्वारा यह जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दो तस्वीर को शेयर करते हुए दी गई है, जिसमें पहली तस्वीर में वे साइकिल से अपने मंत्रालय जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तस्वीर में मुलायम सिंह दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को सुबह मैंने स्वप्न में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को देखा। उन्होंने मुझे गले लगाकर स्नेहिल आशीर्वाद दिया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके दिखाए रास्ते पर आजीवन चलूं। आज मैं अपने मंत्रालय और नए भवन साइकिल से जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव के द्वारा इस तरह की कुछ बातों का दावा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। बिहार में लगातार राजनीतिक परिस्थितियां बदलती जा रही है। इसी बीच 25 फरवरी को एक तरफ जहां सीमांचल के पूर्णिया में महागठबंधन की एक बड़ी रैली होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह भी 25 फरवरी को बिहार में अपनी रैली करने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। वह इसको लेकर विजय सिन्हा के द्वारा कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार में दो सभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता और लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें से पहली सभा वाल्मीकि नगर के लौरिया विधानसभा क्षेत्र के साहू जैन विद्यालय में होगी, तो वहीं दूसरी सभा पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती पर बापू सभागार में किसान मजदूर समागम होगा। केएल राहुल पर आकाश चोपड़ा, वेंकटेश की जंग में कूदे हरभजन सिंह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में केएल राहुल के अच्छे प्रदर्शन को न देखते हुए आकाश चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद के बीच जुवानी जंग जारी है, लेकिन अब इस जुवानी जंग में केएल राहुल का बचाव करते हुए हरभजन सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम सभी केएल राहुल को अकेला छोड़ नहीं सकते हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह अभी भी एक शीर्ष खिलाड़ी है, वह मजबूत वापसी करेगा। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे दौर से गुजरते हैं, वह पहला और आखिरी नहीं है, इसलिए कृपया इस बात का सम्मान करें कि वह हमारा अपना खिलाड़ी है और विश्वास रखें। बता दें कि इससे पहले भी हरभजन सिंह ने केएल राहुल को इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेकर घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी थी। वैश्विक विकास में भारत अकेले 15% तक करेगा मदद। क्रिस्टालिना जॉर्जेवा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है, उनके द्वारा कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान अब भी उज्जवल बना हुआ है। 15% तक का योगदान वह 2023 में वैश्विक विकास में अकेले करेगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि डिजिटलीकरण ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी के संकट से बाहर निकाल दिया है। सरकारी स्तरों पर अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति और बजट में किए गए प्रावधान पूंजी निवेश के लिए महत्वपूर्ण है और इनसे वित्त पोषण के साथ साथ विकास की गति को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सन 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया। 1969 में आज ही के दिन अभिनेत्री मधुबाला का निधन हुआ। कनाडा के डेविसन ने 2003 में विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाकर 1983 में बनाए गए कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन को सन 2010 में कतर की नागरिकता प्रदान कर दी गई। 1969 में हिंदी फिल्म जगत की अभिनेत्री भाग्यश्री का जन्म हुआ। 1954 में भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और संपादक विजय आनंद का सन 2004 में निधन हुआ। ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं निबंधकार वृंदावन लाल वर्मा का सन 1969 में निधन हुआ। वालखंड में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट rsby.ind.in/vacancies राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर आवेदन आमंत्रित कर 600 रूपए की फीस मांग रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इस योजना को AB-PMJAY के तहत शामिल किया गया है। RSBY में पद एडमिन डिवीजन के माध्यम से भरे जाते हैं।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अक्षय ने इस चीज में दर्ज करवाया अपना नाम। अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी को लेकर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर अक्षय प्रमोशन में अभी बिजी है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इसी बीच अक्षय कुमार ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल फिल्म के प्रमोशन को लेकर मुंबई में अक्षय कुमार फैंस के बीच पहुंचे। भारी संख्या में उनके फैंस भी वहां मौजूद थे और इसी बीच अभिनेता द्वारा जमकर सेल्फी ली गई। सेल्फी लेने के दौरान अक्षय कुमार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड में अक्षय कुमार ने 184 सेल्फी अपने फैंस के साथ मात्र 3 मिनट में ही ले ली। इसी के साथ उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। इससे पहले इस रिकॉर्ड में जेम्स स्मिथ का नाम शामिल था जिन्होंने 3 मिनट में 168 सेल्फी क्लिक की थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, कमित यादव, कन्हैया कुमार, ब्यूटी झा, सलीम अंसारी, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, रविशंकर, विकास शर्मा, राम नरेश यादव, मोहम्मद जमील अख्तर, कुलदीप कुमार, राम बाबू राय, योगेंद्र रजक, मुटु रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार केएल राहुल के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें आगामी टेस्ट मैचों में रखना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।